जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में मैं राजेश जोशी स्वागत करता हूँ। आज फिर इसी ज्ञान की कड़ी को आगे बढ़ाता हुआ, कल मैंने बात की थी मेष लग्न की कुंडली के बारे में। अब आपको पता लग ही गया होगा कि मेष लग्न की कुंडली में हर एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस होता है। उसी तरह आज बात करता हूँ वृष लग्न की कुंडली में, क्योंकि जितनी वृष लग्न की कुंडलियाँ होंगी उन सब के कैरेक्टरिस्टिक्स में, उन सब के स्वभाव में, उन सब के बिहेवियर में, उन सब की सोच में बहुत बड़ा फर्क होगा। वृष लग्न की कुंडली में मान लीजिए अगर लग्न में ही शनिदेव पड़े हों तो लग्न के लिए वो अच्छे हो गए, बंदे की पर्सनैलिटी सुंदर होगी लेकिन कंप्लेक्शन डार्क होगा, डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, हार्डवर्किंग हो जाएगा बंदा। लेकिन ये ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों, ये ध्यान देने योग्य बात इसलिए है क्योंकि वृष लग्न का निर्धारण जब भी हम करते हैं तो बस ये सुंदर होंगे, ये सुशील होंगे, ये अच्छे होंगे, ये सारी चीजें होंगी, हम ये चीज डिफाइन कर देते हैं और आम आदमी के समझ नहीं आता। अगर यही वृष लग्न हो, लग्न में सर के ऊपर मंगल पड़ा होगा तो बंदा जितना सुंदर होगा उतना ही अग्रेसिव भी होगा, उतना ही फजूल खर्ची करने वाला भी होगा, उतना ही ज्यादा भागदौड़ करने वाला होगा, विदेश जाने के लिए सदा उत्सुक होगा। यही वृष लग्न में अगर चंद्रमा तीसरे घर का मालिक होकर उच्च का लग्न में आ जाए तो बंदा छोटी मोटी यात्राओं का शौकीन होगा, यह बंदा डिसीजन मेकिंग बड़ी बोल्डली ले लेगा और हमेशा जिस जिद पे अड़ जाएगा वो वहीं का वहीं रहने वाला है। इसी लग्न कुंडली में अगर बुध देवता लग्न में बैठ जाए तो बहुत ज्ञानवान बना देगा, बहुत सूझवान बना देगा, बहुत कैलकुलेटिव माइंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बुध एक खुद ही कैलकुलेटिव ग्रह है और लग्न में उसको दिशा बल मिलता है, दूसरे और पांचवें घर का मालिक होता है। अब ये उन पंडितों के लिए मैं एक सूचना देना चाहूंगा कि सदैव दूसरे घर को बुरा मत मानो, क्योंकि वो पंचम का भी मालिक है। एक तरफ तो कह देते हैं कि दूसरा और सातवां घर मालिक मारक होता है, अगर दूसरा घर मारक होता है तो वही लॉर्ड अगर पंचम हाउस का बन जाए, वही त्रिकोण का बन जाए तो मारक कहां गया? सोचने वाली बात है। दूसरे घर का मालिक मारक क्यों है किसी से भी पूछ लो, सानू तो जी अद्दा ही पढ़ाया, यही फार्मूला है, कारण नहीं पता क्यों। दूसरी बात उनसे पूछो, क्रॉस चेक करो कि जी त्रिकोण का मालिक तो कभी अशुभ नहीं होता और दूसरे घर का मालिक सदा आप अशुभ कहते हैं, मारक कहते हैं उसे, तो यहां दोनों स्टेटमेंट्स क्लैश कर जाती हैं। समझने वाली बात है कि बुध अगर वृष लग्न में, लग्न में ही बैठा होगा, वो शख्स, वो इंसान, वो जातक संतान सुख से परिपूर्ण होगा, बुद्धिमान ज्ञानवान होगा, समाज में परिवार में इज्जत मान प्रतिष्ठा लेकर बैठा होगा, दाम्पत्य सुख जो सातवें घर पे उसकी दृष्टि पड़ेगी उसके लिए वो अच्छा हो जाएगा, ये सारी चीजें वो अच्छे के लिए होगी। तो वृष के बुध के लग्न में बैठने से उस शख्स के, उस जातक के कैरेक्टरिस्टिक्स में बदलाव आ जाएगा। अगर सूर्य चौथे घर का मालिक वृष लग्न में बैठा होगा, बहुत पोटेंशियल होगी, सारी सुख सुविधाएं वो लेकर के पैदा हुआ है, माता से बहुत ज्यादा उसकी अटैचमेंट होगी, गाड़ी वाहन प्रॉपर्टी सारी सुख सुविधाएं वो लेकर के पैदा होगा और सारी जिंदगी उसके साथ रहेंगी। यहां शुक्र देवता की जो साधारण राशि है वृष राशि, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में बदलाव आ जाएगा। तो यह समझने वाली बात है कि जितने प्लैनेट्स की प्लेसमेंट लगन में होती जाती है वो इस लगन के कैरेक्टरिस्टिक्स में बदलाव लाती चली जाती है, लेकिन हम लोग इसको समझना जरूरी नहीं समझते। नीच का राहु सातवें घर में आ जाए, सीधा लग्न पे दृष्टि डाल दे और लग्न में केतु नीच का आ जाए, बंदे की हालत हमेशा खराब कर ही रखेगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव थॉट्स वो ज्यादा लेके आएगा, उसको बचाने वाला कौन है? बुध देवता, अपनी बुद्धि के ज्ञान से वो बच पाएगा। यहां वृष लग्न वाला कंफ्यूज रहेगा अगर बुध उसका स्टेबल ना हुआ तो। शनिदेव लग्न में बैठे हों, कर्म करने के लिए सदैव तत्पर रहेगा, भाग्यवान होगा क्योंकि भाग्य का डिपार्टमेंट उठा के सर के ऊपर रख लिया, अच्छा हो गया उसके लिए। बृहस्पति देवता लगन में बैठे हों, बृहस्पति को दिशा बल मिल गया, अच्छा। लेकिन इस कुंडली में मारक ग्रह है,
हेल्थ की प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टेकल्स वो लेकर के आएगा और वो साथ में चलने वाली हैं आपके। ये हमें समझना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद इसकी जो प्लेनेट नेटल चार्ट में अच्छा या बुरा बैठा है उसकी नमाश में स्थिति क्या है। मान लीजिए राहु अगर नीच का नेटल चार्ट में बैठा है और नमाश में वो उच्च का हो गया तो वो नीचता के फल में कमी ला देगा। समझने वाली बात है। अगर शनिदेव लगन में बैठा है वृष लगन की कुंडली में लेकिन नमाश में वो नीच का हो गया तो भी वो अच्छे फल में कमी ला देगा, तो हमें उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। अक्सर त्रिकोण का स्वामी सदा शुभ होता है ये फार्मूला भूल जाइए या दिमाग से निकाल दीजिए। वृष लगन की ही कुंडली में अगर पांचवें घर में शुक्र देवता आ जाए लगन का मालिक होकर के तो वो वहां नीच हो जाएगा और बंदे की हालत खराब कर देगा। मैं अक्सर किसी विद्वान का प्रोग्राम सुनता हूं, उसमें वो बोल रहे थे कि छठे घर का मालिक अगर कहीं भी चला जाए तो उस भाव को खराब करता है। मैं उनसे हाथ जोड़ के विनम्र विनती से पूछना चाहता हूं कि अगर छठे घर का मालिक लगन लॉर्ड भी साथ में हो तो क्या वो खराब करेगा? नहीं करेगा, बचाएगा वो। क्यों? क्योंकि वो लगन लॉर्ड है और लगन लॉर्ड कभी अशुभ नहीं होता जब तक वो अच्छी जगह प्लेस्ड हो। तो अगर वो बुरी जगह प्लेस्ड हो जाएगा तो वो बुरे फल देगा 6, 8, 12 में या नीच का, नहीं तो वो सदैव अच्छे फल देने वाला है। इसी तरह स्कॉर्पियो लगन की कुंडली में भी छठे का मालिक मंगल बनता है, कहीं भी कुंडली में बैठ जाए लोग कहते हैं खराब करता, नहीं करेगा क्योंकि वो लगन लॉर्ड भी साथ में है। ये क्यों भूल जाते हो आप? एक तरफ कहते हो त्रिकोण सदा अच्छा होता है, त्रिक सदा बुरा होता है, जब दोनों का मालिक एक जैसा हो जाए तो कैसे डिसीजन लोगे? 1, 5, 9 की सदैव दूसरी राशि कहीं ना कहीं 6, 8, 12 में होगी। आप मेष से मीन लगन की कुंडली तक इसको कैलकुलेट कर लीजिए, हर चीज मिल जाएगी आपको। मेष लगन की कुंडली में लगन का मालिक मंगल, अष्टम का मालिक मंगल, नवम का मालिक बृहस्पति, 12वें का मालिक बृहस्पति। वृष लगन की कुंडली में लगन का मालिक शुक्र देवता, छठे का मालिक शुक्र देवता। मिथुन लगन की कुंडली में 8वें घर का मालिक शनिदेव, 9वें घर का मालिक भी शनिदेव। कर्क लगन की कुंडली में छठे घर का मालिक बृहस्पति, 9वें घर का मालिक भी बृहस्पति। सब लगन कुंडलियां आप बैठ के कैलकुलेट कीजिए, 1, 5, 9 की सदैव दूसरी राशि आपको त्रिक में मिलेगी। कहीं ना कहीं एक राशि त्रिक से जरूर जुड़ी हुई होगी जो त्रिकोण का मालिक भी होगी और त्रिक का मालिक भी होगी। उसकी प्लेसमेंट उसके बाद डिसाइड करेगी कि वो कितना अच्छा या कितना बुरा होने वाला है। सदैव ये कैलकुलेशन में हम गलती करते आते हैं, एक ही लगन को डिफाइन कर दिया, ये लगन वाले ऐसे ही होंगे। नहीं होंगे मेरे भाई, नहीं होंगे। हाथ जोड़कर उन ज्योतिषियों से विनम्र विनती करूंगा कि इस दिशा को सही दिशा ही रहने दीजिए। इतना इतना मत उछालिए कि एक आम आदमी परेशान होकर भटकना शुरू कर दे, पैसे भी खर्च कर दे और बाद में आपको बद्दुआएं भी दे। फलाने कोल गया सी 5000 लवाता, फलाने कोल गया सी आ कराता। इससे अच्छा है आप खुद सीखिए और समझिए। इस इंस्टीट्यूशन ने आपको एक और व्यवधान दिया है। मान लीजिए, मैंने पहले भी इस बात की चर्चा की थी, मान लीजिए आप शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, आपके पास वक्त नहीं है, तो निमित्त मात्र छोटी सी आप शुल्क दे करके, छोटी सी फीस आप दे करके सीडी ले जा सकते हैं। जब आपका कन्वीनियंस लगे, जब आपको ठीक टाइम लगे, आप उसे देख करके सीख सकते हैं। आपके अंदर ज्योतिष को भरना है मुझे, जैसे वो कूट कूट के मसाला भरते हैं ना फीमेल लोग करेले में, वैसे आपके अंदर कूट कूट के भरना है मुझे ज्योतिष। आपको जागृत करना है, आपको दिखाना है कि ये विद्या इतनी बुरी नहीं है जितनी हमारी पंडितों ने बदनाम कर दी। समझना पड़ेगा इस बात को। न उठोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। अभी भी उठने का वक्त है, उठो, जागो, समझो, देखो, किसी के मोहताज मत बनो। खुद की मदद खुद करनी है आपको। लगन आपको खुद डिसाइड करना है कि मेरा लगन लॉर्ड कहां पड़ा है, मेरे लगन पे कितने पापी ग्रहों का प्रभाव है, मेरे लगन पे कितने अच्छे ग्रह बैठे हैं, कितने बुरे ग्रह बैठे हैं, कितने अच्छे ग्रह उसे देख रहे हैं या कितने बुरे ग्रह उसे देख रहे हैं। यह डिसीजन आपको लेना है। कुंडली ड्रॉ कीजिए। कुंडली ड्रॉ जरूरी नहीं है कुंडली 500 में ड्रॉ होगी, 1000 में ड्रॉ होगी, नहीं। एक 10 रुपए में पराशर का पेज निकाल लाइए, उसमें आपको हर चीज लिखी मिलेगी, हर बल लिखा मिलेगा, साथ में नमाश कुंडली, दशमाश कुंडली भी मिल जाएगी। इस चीज को समझना पड़ेगा आपको, लेकिन उसके लिए कर्म आपको करना है।
गीता में पहला श्लोक लिखा है कृष्ण जी ने, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मैंने कुंडली दे दी, साथ में तुझे कर्म दे दिया, बच्चा जा कर्म कर। कर्म गति ही आपकी कुंडली का निर्धारण करके उसे इंप्रूव कर सकती है। ज्योतिष विद्या आपको मदद करेगी, ज्योतिष विद्या के सारे उपाय जस्ट लाइक अ बिकासोल की गोली हुआ करते हैं। हम किसी के योग नहीं बदल सकते, दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती, आप खुद बदल सकते हो। पाठ पूजन सिमरण व्रत आरती बड़ों की रिस्पेक्ट, ये आपको देखना है। मैं ये मानता हूं कि अगर बहुत ज्यादा बुरे ग्रहों का प्रभाव हो तो ये चाहकर भी इंसान नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि बुरे ग्रह का प्रभाव इतना ज्यादा है, पंडित जी के पास जाने से कांपने लगते हैं। पंडित जी बेचारे पत्री देखे क्या हुआ, बंदे दे साफ प्राण सामने वाले के सूख गए, पता नहीं अब पंडित जी क्या बोलने वाले हैं। गर्दन हिला दी पंडित जी ने, इसका मतलब बंटाधार है। नहीं, हर एस्ट्रोलॉजर को एक साइकोलॉजिस्ट जरूर होना चाहिए, ताकि वो जो जातक पत्री लेकर के आया है उसके साथ उसका मोराल बूस्ट जरूर करके भेजे, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम से लड़ने का रास्ता ढूंढ ले। चने के झाड़ पे नहीं चढ़ाना है, आप ये पहन लो, ये पूजा कर लो, फलान कर लो, हवन कर लो, ये कर लो, सब कुछ ठीक हो जाए, कुछ नहीं होने वाला जब तक आप खुद एफर्ट्स नहीं करोगे। खुद एफर्ट्स करना आपके लिए जरूरी है। लड़ाई में झगड़े में सर जो टूट जाते हैं, लोग ऐसी हालत में मेरे पास आते हैं, मैं भी अब जाके किस किस को समझाऊं? कुंडली दिखाओगे हुजूर या मैं प्रश्न कुंडली लगाऊं? हमारा तो फिर ये हाल हो जाता। हर एक बंदे को समझाना हमारे बस की बात नहीं है। फलाने पंडित जी ने ये कहा, भाई फलाने पंडित जी ने क्या कहा ये उनकी शिक्षा पे निर्भर करता है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। सही दिशा ये है, जानना चाहता है तो सही उपाय ये है, ये सच का आईना है। बहुत सारी बार ऐसे होता है, बहुत सही बड़ी बड़ी बातें लोग सुन के आ जाते हैं, और हमारे पास जब कुंडली आती है देखते हैं यार कुंडली तो बहुत गड़बड़ वाली है, फिर जब वो भुगतना शुरू करते हैं तो फिर उनको याद आती है, नहीं सर आपने ठीक ही कहा था। लगन की डेफिनेशन पे ही सारी चीज निर्धारण हो जाती है। पेंडेंट पहना दिए, गले में मालाएं पहना दी, सब कुछ कर दिया, पेंडेंट ऊपर से कवर हो गया, उसकी रश्मियां उसकी बॉडी तक पहुंची ही नहीं, तो किसका ग्रह अच्छा हुआ? उस पंडित जी का जिसने वो पेंडेंट बेच दिया। हमारे लिए ये जरूरी है इस बात को समझना कि हमें खुद के लिए कुछ करना है, तो खुद के लिए सीखना शुरू करो, खुद के लिए कुछ पढ़ना शुरू करो, खुद के लिए ध्यान देना शुरू करो। खुद ही खुद के सबसे बड़े वेलविशर हो आप। आज टिप ऑफ द डे देता हूं, नोट कर लीजिए। अक्सर माताएं बहनें आती हैं, वेलविशर्स दोस्त मित्र आते हैं, संबंधी आते हैं, रिश्तेदार सब जान पहचान वाले आते हैं, बोलते हैं यार हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट बहुत हो रहा है, नई गाड़ी लिया कभी वहां ठुक जाती है, कभी वहां ठुक जाती है, ये बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके मुताबिक आप एक मौली किसी पंडित जी से, या खुद आप भी, किसी के पास जाने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद भी वो मौली लेकर के गाड़ी के आगे बोनट पे या हैंडल पे बांध लीजिए, काफ़ी अच्छा रिलीफ दे पाएगी। बजरंग बली को प्रणाम कर दीजिए, जब भी बजरंग बली को प्रणाम करें हाथ जोड़ के नमन कर दिए, बजरंग बली रक्षा आप कीजिएगा, ये चीज़ आप कर सकते हैं। इस चर्चा को मैं और आगे कल लेके जाऊँगा और आपको मिथुन लग्न कुंडली की जानकारी दूंगा, और मिथुन लग्न कुंडली में भी आपको इसी तरह से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अच्छे ग्रह कौन से हैं, बुरे ग्रह कौन से हैं, वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हो सके तो कॉपी पेंसिल लेके बैठिएगा, ताकि इसकी चीज़ों को नोट करके आप और अच्छी कैलकुलेशंस खुद में कर पाएं। और मंगल देवता का मौली बांध करके ये प्रणाम कर दिया कीजिए कि हे बजरंग बली कृपा दृष्टि बनाए रखो, इस वाहन पर आपने कृपा दृष्टि बनानी है। इन सब चीज़ों को यहीं समाप्त करता हुआ और अपनी चर्चा को यहीं विराम देता हुआ आप सबसे विदा लेता हूं, और ये मंगल कामना करता हूं कि शनिदेव आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।